आज मैं आपको सिखा रही हूँ पानी के कोफ्ते। जी हाँ, पानी के कोफ्ते। ये कोफ्ते ना सालन में बनेंगे, ना घी में बनेंगे और ना ऑयल में। ये कोफ्ते मैं पानी में बनाऊंगी। तो चलिए, इसके लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी वो नोट कर लीजिए। ये 1/2 kg कीमा है। ये मैंने चिकन का लिया, आप मटन का और बीफ का जो चाहें वो ले सकते हैं अपनी पसंद से। और ये इसमें हरा मसाला जाएगा, 1/2 गड्डी हरा धनिया, 1 मीडियम साइज की प्याज, 10 अदद हरी मिर्चें लिए मैंने। आप थोड़ी सी कम करना या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरक 1 इंच का पीस, ठीक है। अब ये मसाले हैं, गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, ये भुना हुआ भुने हुए चने ले लीजिए, अगर भुने हुए चने नहीं हो तो बेसन को भून लीजिए, ये 1 टेबल स्पून, 1.5 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, और ये खसखस का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और अंडा 1 अदद। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कीमा डालते हैं। ये चॉपर में कीमा डाल रहे हैं। कीमा, इसके बाद ये हरा मसाला डाल देंगे सारा। ये सब डाल के इसे बिल्कुल बारीक में पीस लूंगी और उसके बाद सारे हरे मसाले जो हैं वो मिक्स करेंगे। देखिए ये कीमा हमारा बिल्कुल अच्छा बारीक पीस चुका है। अभी इसको मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। ये कीमा चिकन का मैंने पीस लिया है हरे मसाले के साथ। अब इसमें मैं ये सारे मसाले डाल रही हूँ। नमक 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून ये भुने हुए चने, लाल मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला, और ये खसखस का पेस्ट 1 टेबल स्पून खसखस का पेस्ट पूरा जाएगा। साफ कर लें अच्छी तरह। और 1 अंडा। ये सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। और अच्छा, ये एक ये बहुत जरूरी चीज, ये खसखस का जो पेस्ट है इसको धोने का भी एक तरीका होता है, इंशाल्लाह ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। और अगर ये आपको धोनी नहीं आती तो प्लीज ये नहीं डालें, इसको फिर आप बिल्कुल माइनस कर दें, दूसरी चीजें डाल लीजिए। और मैं इंशाल्लाह आपको ये खसखस धोना जो है ये जरूर सिखाऊंगी। ये इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखें, ये पतीली में मैंने पानी रख दिया था, पानी इतना रखेंगे आप। ये निशान उंगली का है पतीली में, बस इतना 1/2 इंच, 1 इंच इतना पानी खड़ा रहे। और इसमें अब ये मैं कोफ्ते बना के डालूंगी। पहले से अच्छी तरह बॉईल आने दें। अब इसको मैं थोड़ा मीडियम कर दूंगी चूल्हे को। और ये देखें, बिस्मिल्लाह, इस तरह। ये देखें, ये दही 2 टेबलस्पून दही है, इसमें पानी डाल के इस तरह से ये मैंने बिल्कुल पतला पतला कर लिया है। और ये अब आप हाथ पे लगाइए इस तरह, और ये अच्छी तरह से सहाइंग करके दबा के इसको अब इस तरह गोल करें। और ये बिल्कुल इसी तरह पतला पतला होना चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। जितना नरम और पतला कीमा होगा उतने ही कोफ्ते जो हमारे हैं वो सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए, कोफ्ते मैंने डाल दिए हैं। अभी एक कोफ्ता ये कच्चा बचा हुआ है, अभी मैं ये दिखाती हूँ कि इसमें आपको स्पेस किस तरह बनानी है। इसमें चमचा बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, इस तरह से ये साफी से इसको इस तरह पकड़ा और इस तरह से ऐसे ऐसे हल्का हल्का मूव कर दिया ये। और ये एक तरह, ये देखें, ये स्पेस बन गई। अब ये जो एक कोफ्ता है ये भी मैं इस तरह दही का हाथ लगाते जाएं पानी का इस तरह से, ये, और इससे ये भी स्टीम में बन जाएगा। और एक बहुत अहम बात कि जब तक ये इसका पानी खुशक नहीं होगा आपको यहाँ खड़े रहना है और इसको कवर नहीं करना है। अगर आपने इसको कवर कर दिया तो स्टीम इतनी ज्यादा बनेगी कि कोफ्ते जो हैं ये फट जाएंगे, इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। ये देखें, तकरीबन हो चुके हैं,
ये इसमें बस अब ये थोड़ा सा पानी है और ये मैं इसको भून रही हूँ। इस तरह हल्के हल्के हिलाते रहें ताकि ये अलट पलट होते रहें और हर तरफ से अच्छी तरह से पक जाएं। अब ये इनका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो हमारे पानी के कोफ्ते, स्टीम के कोफ्ते तैयार हैं। ये देखें ये तकरीबन तैयार हो चुके हैं, बस थोड़ा सा मैंने फ्लेम को तेज कर दिया और देखें पानी ये खुशक हो चुका है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है, एक बूंद भी इसमें ऑयल की नहीं है। अब ये बस एक आधे मिनट में ये जो थोड़ा सा पानी बचा हुआ है ये भी ड्राई हो जाएगा। अभी हमारे पानी के कोफ्ते या स्टीम कोफ्ते तैयार हैं। ये इस तरह से बिल्कुल पानी खुशक करके अभी मैंने इसको निकाल लिया है और ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जिन्हें कोई हेल्थ इशू होता है, ऑयल मना होता है, घी मना होता है। ये मैंने चिकन के बनाए हैं, अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है तो बीफ में और मटन में भी बना सकते हैं और ये आप आराम से बनाइए। और एक बात ये बहुत अहम है कि जो वर्किंग वुमेन होती है उनके लिए बेस्ट है कि आप इसको बना के और इन्हें ठंडा कर लीजिए रूम टेम्परेचर पे और फिर आप इनको जिप लॉक बैग में या वैसे पॉलीथीन बैग में डाल के एयर टाइट करके आप पोर्शन बना के जितने आपको एक वक्त में इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे आप 4 इस्तेमाल करने हैं, 6 इस्तेमाल करने हैं, तो आप एक पोर्शन बना के पॉलीथीन बैग में और सील करके इसे फ्रीज कर दीजिए। ये महीनों भी आपके चलेंगे और फिर आप आराम से जो भी ग्रेवी आपको बनानी है ग्रेवी बनाइए और इसी तरह से फ्रीज हुए हुए जब एक साथ पॉलीथीन बैग में डाल के रखेंगे तो इस तरह से जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से गर्म ग्रेवी में आप रख दीजिए, 5 मिनट दम पे रखिए, ये आराम से अलग हो जाएंगे और आपका 5 मिनट में सालन तैयार हो जाएगा। तो अगर ये रेसिपी आपको मेरी पसंद आई हो तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।